खबर दिन भर, मैं हूं शेख जूही। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। हाल ही में राजस्थान के बीकानेर और बाड़मेर में जमीन धंसने और दरार पड़ने का मामला सामने आया था। इसके बाद अब झुंझुनू में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहां पर जमीन के अंदर से मिट्टी के बुलबुले निकल रहे हैं। दरअसल झुंझुनू में 10 दिन से जमीन से बुलबुले निकलने का सिलसिला जारी है। इस घटना को पहले तो लोगों ने सम्मानी रूप से लिया, लेकिन अब लगातार होने की वजह से हर कोई इसे देखकर हैरान है। लोग इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। यह घटना झुंझुनू जिले मुख्यालय के मंडावा मोड़ पर हो रही है। झलवाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे के नेहरू पार्क स्थित इलेक्ट्रॉनिक शोरूम और उसकी दूसरी मंजिल पर मौजूद कंबल के गोदाम में देर शाम भीषण आग लग गई। आग का तांडव घंटों तक चलता रहा। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम कंबल के गोदाम के लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की मौत के बाद सड़क पर पारिवारिक कलेश आया। अब कलेश राजनीति का अखाड़ा बना। मांडलगढ़ क्षेत्र के सैकड़ों लोग कलेक्ट्री पहुंचे। विवेक धाकड़ की पत्नी के आरोप के खिलाफ जनता सड़क पर आ गई। विवेक के पिता कन्हैयालाल के पक्ष में धाकड़ समाज का प्रदर्शन। जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। 13 साल की नाबालिग के साथ बकरियां चराते वक्त सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। छत्तरगढ़ पुलिस थाने में दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। कानपुर के एक प्राइमरी स्कूल में 20 साल की लड़की का शव पेड़ से लटका मिला। गुरुवार सुबह बच्चे और टीचर स्कूल पहुंचे तो शव पेड़ से लटका हुआ था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल की। लड़की के घर वालों ने आरोप लगाया है कि बेटी की हत्या कर शव पेड़ से लटकाया गया है। एसपी अजय कुमार त्रिवेदी ने बताया, प्राइमरी जांच में मामला सुसाइड का लग रहा है, फिर भी हर एंगल से जांच की जा रही है। गोरखपुर में अरबी पढ़ने गई 7 साल की बच्ची से मौलवी ने छेड़खानी कर डाली। तिवारीपुर इलाके के मौलवी सफर हुसैन घर के पास एक मकान में बच्चों को अरबी पढ़ाता है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार दोपहर में उनकी बेटी पढ़ने गई थी, अन्य बच्चे पढ़ने नहीं पहुंचे। मौलवी ने बच्ची को अकेला देख उसके साथ छेड़खानी की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज सुबह दो छात्र गुट आपस में भिड़ गए। उनके बीच हुई मारपीट और फायरिंग में एक छात्र के घायल होने की खबर है। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई थी, लेकिन पुलिस ने एक्शन लेते हुए दो छात्रों को हिरासत में लिया। घायल छात्र को JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बाराबंकी में बुधवार शाम ट्रेन में आग लग गई। गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी ट्रेन में ब्रेक बाइंडिंग के चलते आग की लपटें उठने लगी। ट्रेन ड्राइवर ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, बड़ा हादसा होने से बच गया। जेल में कैद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी ने चार्जशीट दाखिल करने की घोषणा कर दी है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को आरोपी बनाया है और कल चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। कल ही सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ईडी ने केजरीवाल को घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने अकाली दल को बड़ा झटका दिया। शिहाद के लोकसभा प्रत्याशी हरदीप सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें भगवंत मान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। हरदीप और उनके समर्थकों ने शिहाद छोड़ी है। हरदीप सिंह पार्षद और सीनियर डिप्टी मेयर रह चुके हैं। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।